नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में राज्यपाल और सीएम हेमंत पारंपरिक परिधान में दिखे। झारखंड के ऐतिहासिक रथ यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सहित हजारों लोग शामिल हुए। इस बार भी परंपरागत रूप से रांची के जगन्नाथपुर मंदिर से रथ यात्रा निकलकर श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का जयकारा लगाया। बता दें, हर वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला यह रथ यात्रा सैकड़ों वर्षों से आस्था का केंद्र है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए झारखंड की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी है। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने न केवल भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की, बल्कि इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के साथ तस्वीरें खिंचाकर रथ को मौसीबाड़ी के लिए रवाना किया। इससे पहले दोपहर 2:30 बजे के करीब पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति को मुख्य मंदिर से रथ पर विराजित किया गया। वहीं रथ पर तीनों विग्रहों को प्रतिष्ठापित करने के पश्चात श्रद्धालुओं के द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम से अनुष्ठान किया गया। दीपक प्रकाश का खुलासा, कार्यकाल से पहले ही गिर जाएगी हेमंत सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 22 जून 2023 को झारखंड आ रहे हैं। इसी दिन गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। उन्होंने यहां कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। वहीं हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में अराजकता बढ़ गई है। बता दें, मंगलवार 20 जून को बीजेपी कार्यालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गिरिडीह कार्यक्रम की तारीख में परिवर्तन की सूचना दी गई। बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 जून की जगह 23 को जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इसके कुछ समय बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में एक बार फिर बदला हुआ। अब 22 जून को ही 11 बजे गिरिडीह में जनसभा को करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची पहुँचेंगे, फिर वहाँ से गिरिडीह के लिए प्रस्थान करेंगे। हजारीबाग में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान वज्रपात, 2 की मौत, 1 दर्जन श्रद्धालु घायल। हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत सिलवास पहाड़ स्थित जगन्नाथ धाम मंदिर में रथ यात्रा के दौरान वज्रपात से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी ओर केरेडारी के बोंडू में वज्रपात से 10 वर्षीय 1 बच्ची की मौत हो गई है। झारखंड में मानसून के प्रवेश के साथ वज्रपात की घटना भी बढ़ने लगी। इसी के तहत मंगलवार को रथ यात्रा के दौरान वज्रपात की घटना घटी है। बता दें, हजारीबाग के सिलवास पहाड़ स्थित जगन्नाथ धाम मंदिर परिसर में रथ यात्रा के दौरान वज्रपात की घटना घटी। शाम 5:15 बजे के करीब इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में भर्ती किया गया है। लोहरदगा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, 4 गंभीर। लोहरदगा में मंगलवार को भारी बारिश के साथ हुए वज्रपात में 1 बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आकाशीय बिजली की चपेट में आए झुलसे लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस आकाशीय आपदा में लोहरदगा के पेशरार थाना क्षेत्र के सुरजीत खेरवाल की 14 साल की बेटी संगीता कुमारी, बसमतिया देवी बुधमन खेरवार और दिनेश खेरवार की 14 साल की बेटी मुनीता कुमारी घर के पास मक्का खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए सभी वहां पास में मौजूद एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान हुए वज्रपात की चपेट में आने से पेशरार बालाडी चिनार टोला गाँव में सुरजीत खेरवार की बेटी संगीता कुमारी, बुधन खेरवार की पत्नी बसमतिया देवी की मौत हो गई। सहायक आचार्यों की नियुक्ति में 12,869 पद पारा शिक्षकों के लिए। झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली सहायक आचार्यों की नियुक्ति में 12,869 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसमें 5469 इंटर प्रशिक्षित सहायक प्राचार्य तथा 7400 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद शामिल हैं। ये पद समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत और न्यूनतम 2 साल की अटूट सेवा पूरी करने वाले पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए। वहीं नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में इन पारा शिक्षकों को भी शामिल होना होगा। बता दें, सहायक आचार्य के कुल 26,001 पदों में से 13,132 पदों पर खुली नियुक्ति होगी, जिसमें आवश्यक योग्यता रखने वाले कोई अभ्यर्थी नियुक्ति हो सकेंगे।
लोकसभा चुनाव में महारथियों को मैदान में उतारेगी भाजपा। आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से दिल्ली फतह करने की तैयारी में जुटी भाजपा झारखंड में प्रभावशाली नेताओं को आजमाएगी। इस कवायद के तहत पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। रघुवर दास अपनी परंपरागत सीट जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें यह सीट गंवानी पड़ी थी। उन्हें झारखंड से राज्यसभा में भेजे जाने की चर्चा थी, लेकिन आलाकमान ने आदित्य साहू को राज्यसभा का सदस्य बनाया है। बता दें, रघुवर दास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयुष विभाग ने विजयी प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग के 7 दिवसीय योग काउंटडाउन कार्यक्रम के 6ठे दिन पहले सत्र में सुबह 6 बजे से आयुष मंत्रालय द्वारा जारी योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया। इस सत्र का संचालन योग शिक्षक अविनाश ने किया। सत्र में योग प्रोटोकॉल के अनुसार सूक्ष्म व्यायाम, खड़े होकर करने वाले आसन, बैठ कर करने वाले आसन, पेट के बल लेट कर करने वाले आसन, पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन कराए। आज पिछले दिनों हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया है। पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस पर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल का अहम योगदान रहा है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ पश्चिम बंगाल विचारों, कलाओं और परंपराओं का गढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अद्वितीय रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस भूमि ने कई महान विचारक, लेखक, कवि व क्रांतिकारी दिए हैं, जिन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। राज्यपाल मंगलवार को राजभवन में आयोजित पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उपस्थित अतिथियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि झारखंड के विकास में आप सभी का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, फिर भी अनेक विभिन्नताओं के बावजूद हम सब एक हैं। झारखंड के पुलिस अधिकारी बनेंगे आईपीएस। झारखंड के 24 डीएसपी रैंक के अधिकारियों की आईपीएस में प्रोन्नति हो गई है। यूपीएससी ने सोमवार को हुई बैठक में राज्य में पुलिस अधिकारियों की कमियों को देखते हुए इस पर मुहर लगा दी। इससे अब प्रदेश कैडर में 124 आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़कर 149 हो जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग कार्रवाई पूरी कर जल्द ही आईपीएस अधिकारियों की सूची राज्य सरकार को भेज देगा। बता दें, यूपीएससी बोर्ड की बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के अलावा गृह विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह शामिल हुए। पलामू में धूमधाम से निकाली गई रथ यात्रा। पलामू के मेदिनीनगर में धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। शहर के 3 स्थानों पर ये यात्रा निकली थी। इसमें इस्कॉन द्वारा निकाली गई यात्रा में हरे राम हरे कृष्ण का गीत सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मायापुर से आए कीर्तन मंडली की प्रस्तुति ने भी सभी को भक्ति में सराबोर कर दिया। बता दें, इस्कॉन के हरे कृष्ण यूथ की डाल्टनगंज शाखा द्वारा आयोजित पूजा में जिले के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए, जिसमें मायापुर इस्कॉन के गौरधाम दास उपस्थित थे। हजारीबाग रथ यात्रा में विधायक अंबा प्रसाद हुए शामिल। हजारीबाग के बड़का गांव और पश्चिमी सिंहभूम के बंद गांव में मंगलवार को धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान दोनों जगहों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। सुबह से ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी थी। बता दें, हजारीबाग के बड़का गांव में विधायक अंबा प्रसाद ने सबसे पहले रथ खींचने की शुरुआत की। वे यहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। वहीं बंदगांव में शाम 5 बजे धार्मिक अनुष्ठान के तहत छौरा पौरा का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा था। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में सबसे पहले मंदिर परिसर की साफ सफाई की गई। इसके बाद गंगा जल का छिड़काव करके पंडित जगदीश चंद्र ठाकुर और भरत भूषण मिश्रा विधिवत पूजा अर्चना की गई। पूर्वी सिंहभूम में 5440 स्टूडेंट ड्रॉप आउट। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में 5440 बच्चे ड्रॉप आउट हैं। उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ा जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 15 जुलाई तक बैक टू स्कूल कैंपेन चलाने का निर्देश दिया है। इस आलोक में सोमवार से जिले में अभियान की शुरुआत हुई है। कदमा स्थित आंध्रा एसोसिएशन इंग्लिश स्कूल ऑडिटोरियम में अभियान को लेकर जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला हुई। इसमें 6 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों को नामांकित करने का लक्ष्य तय किया गया। इसमें DRDA के निदेशक सौरभ सिन्हा, अपर
उपायुक्त जयदीप तिग्गा, जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मल बरेलिया, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉक्टर आर के ने हिस्सा लिया है। भूमि घोटाले में विष्णु अग्रवाल से ईडी करेगी पूछताछ। झारखंड में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ व चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी बुधवार को न्यूक्लियस मॉल के संचालक विष्णु अग्रवाल से पूछताछ करेगी। वहीं आगामी 26 जून को रांची के होटवाल स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। बता दें, हामिद अख्तर पर जेल मैनुअल का उल्लंघन कर जेल में बंद निलंबित आईएएस छवि रंजन के नेताओं व नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश की मुलाकात कराने का आरोप है। गोड्डा में मंचलों का हौसला बुलंद, छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को मारे चाकू। राजभिट्ठा थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव की महिला के साथ गांव के ही एक मंचले ने छेड़खानी करने की कोशिश की। छेड़खानी का विरोध करने पर युवक ने महिला पर चाकू से हमला बोल दिया। बता दें, मंचले युवक के इस हमले में महिला को गले समेत शरीर के कई हिस्सों में जख्म के गहरे निशान आए हैं। महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना सोमवार की देर रात की बताई जा रही है। जामताड़ा में कुएं में दफन हो गई दो जिंदगी। जामताड़ा के मिहिजाम क्षेत्र के कोलपाड़ा मस्जिद के पीछे निर्माणाधीन मनरेगा कूप में ईंट के नीचे दबे राजमिस्त्री और मजदूर को करीब 11 घंटे कड़ी मकसद के बाद जेसीबी मशीन की मदद से दोनों का शव बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के दौरान जेसीबी मशीन से एक शव का सिर धड़ से अलग होने की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि मिहिजामा थाना क्षेत्र के शहरडाल पंचायत में कोलपाड़ा मस्जिद के पीछे मनरेगा के तहत निर्माणाधीन कुएं में ईंट घेराबंदी करने के दौरान मंगलवार सुबह में एक मजदूर और एक राजमिस्त्री समेत दो मजदूर दब गए हैं। चुनाव चाहे जब हो, जेएमएम तैयार। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, वहीं दूसरी ओर इस चुनाव को समय से पहले कराने को लेकर राजनीतिक गलियारियों में बहस शुरू हो गई है। दरअसल यह मुद्दा तब और ज्यादा जोर पकड़ लिया है जब चुनाव आयोग की तैयारी के साथ साथ बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पिछले दिनों कार्यकर्ताओं के समक्ष लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए जाने की आशंका व्यक्त की गई। बता दें, नीतीश कुमार के द्वारा आशंका व्यक्त किए जाने के बाद झारखंड की सियासत में भी यह चर्चा का विषय बन गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय मौसम विभाग के द्वारा अगले साल अप्रैल मई महीने में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पड़ने वाली प्रचंड गर्मी को देखते हुए समय से पहले चुनाव कराने संबंधी चुनाव आयोग को दिए गए सुझाव का हवाला देते हुए इसे सही बताया है। रांची में पहली बार ग्रामीणों के आंगन में दिखा नल से गिरता जल। झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। राजधानी के कई इलाकों में बोरिंग फेल हो गए हैं, वहीं पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में की थी। लोगों की बातों से लगा कि यह योजना 2024 के चुनाव पर भी असर डाल सकती है। वहीं आंगन में पानी पहुंचाने के लिए कोई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दे रहा है, तो कोई भगवान को, कोई कह रहा है कि गंगा मैया के दर्शन हो गए हैं। खुट्टी में 5 दिनों तक बारिश की संभावना। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र खुट्टी ने मंगलवार को मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। केंद्र के अनुसार खुट्टी में अगले 5 दिनों के बीच मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। इसी बीच घने बादल छाए रहेंगे। तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट रहेगी, साथ ही अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री के आसपास रहेगा। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया है कि ऊपरी खेतों में बारिश की अनियमितता को देखते हुए कम अवधि और कम पानी की आवश्यकता वाली फसल अरहर, उड़द, मड़ुआ, ज्वार आदि खेती को प्राथमिकता दे। झारखंड नगरपालिका सेवा के 923 पदों पर नियुक्ति। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग के 923 विभिन्न अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए 20 जून से ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। बता दें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में कहा गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 19 जुलाई की मध्य रात्रि निर्धारित की गई है। वहीं 21 जुलाई की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। वहीं फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर समर्पित आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 23 जुलाई की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। झारखंड में 21 से 23 जून तक भारी बारिश। झारखंड में सोमवार को मानसून ने दस्तक दे दी है। यह संताल के साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका में कायम हो गया है। जामतलाव, देवघर में भी बारिश शुरू हो गई है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो अगले 3 से 4 दिनों में इसके पूरे झारखंड में मानसून कायम होने की पूरी संभावना है।
वहीं 21 से 23 जून के बीच पूरे झारखंड में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। गौरतलब है कि इस वर्ष झारखंड में मानसून एक सप्ताह की देरी से आया है, लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। रांची के मेकॉन स्टेडियम में होगा विश्व योग दिवस पर राजकीय कार्यक्रम। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। राजधानी रांची में भी विश्व योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। इस बार विश्व योग दिवस का राजकीय कार्यक्रम रांची के डोरंडा स्थित मेकॉन स्टेडियम में होगा। रांची के जिला आयुष पदाधिकारी सह योग कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर सचिदानंद प्रसाद सिंह ने कहा है कि राजकीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी निमंत्रण किया गया है। इस वर्ष झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए नोडल विभाग, आयुष निदेशालय और राज्य योग सेंटर को बनाया गया है। वहीं रांची में विश्व योग दिवस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर सचिदानंद प्रसाद सिंह ने बताया है कि मेकॉन स्टेडियम में राजकीय स्तर पर सामूहिक रूप से योग कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सिमडेगा में जंगली हाथी ने महिला को मार डाला। झारखंड के सिमडेगा में जंगली हाथी ने महिला को कुचल कर मार डाला है। मृत महिला की पहचान कलोस्तिका कुजूर के रूप में की गई। घटना सिमडेगा जिला के बेहरीन बासा पंचायत अंतर्गत बटकबहार जजरा बांध के समीप की है। ग्रामीणों ने महिला का शव देख पुलिस और वन विभाग को सूचित किया है। बताया जा रहा है कि महिला सोमवार को ही डोरी चुनने के लिए जंगल गई थी लेकिन नहीं लौटी। मंगलवार को जब ग्रामीणों ने महिला का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी है। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून संथाल परगना के रास्ते प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग ने साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा सहित अन्य जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें रांची और जमशेदपुर में भी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया। वहीं राजधानी रांची में मंगलवार को धूप खिली लेकिन ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दी है। इसी बीच मौसम विभाग ने 21, 22 और 23 जून को पूरे झारखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बता दें कि 6 दिनों की देरी से झारखंड में आया मानसून अब किसानों और आम लोगों के लिए राहत लेकर आया है। मानसून ने झारखंड में एंट्री ले ली है लेकिन अभी भी कई जिले लू और तापमान वृद्धि की चपेट में हैं। जेपी नड्डा 22 जून को 10 बजे पहुंचेंगे गिरिडीह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को गिरिडीह आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम के समय में बदलाव किया गया। अब वे उसी दिन 4 घंटे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। उसकी जानकारी कार्यक्रम के प्रभारी बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने कहा है कि पहले जेपी नड्डा का दोपहर 2 बजे गिरिडीह आने का कार्यक्रम था लेकिन अब वे 22 जून की सुबह 10 बजे ही गिरिडीह पहुंच जाएंगे। श्री नड्डा विशेष विमान से उड़ीसा से रांची पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से गिरिडीह एयरपोर्ट आएंगे। गिरिडीह एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने के कारण उनके विशेष विमान को यहां लैंड नहीं कराया जा सकता है। इस कारण उनके गिरिडीह आने के समय में बदलाव किया गया है। बाबूलाल मरांडी ने दी सीएम हेमंत सोरेन को सलाह। झारखंड के रांची में हुए जमीन घोटाले के बाद बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर होते दिखे। वहीं एक बार फिर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा है कि हेमंत सोरेन जी, मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि बाबा नगरी देवघर में रांची से भी बड़ा जमीन घोटाला हुआ है। माफिया दलाल और सत्ता पोषण कुछ बेईमान सरकारी मुलाजिमों ने मिलकर मठ, मंदिर, ट्रस्ट, सरकारी गैर सरकारी जमीनों की लूट मचा रहे हैं। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।